सुनने वाला मैं सुनता करूंगा मारी जाबा 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 तुम्हारी बात सुनेगा कि नहीं अपने हाथ की गर्मी यार ठंडा है मैं तुम दोनों को दिखाता हूं तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूं अबे एक मिनट क्या बात है ये आप तो हमें दिखा रहा था नहीं 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 इन लोगों ने आपको नहीं देखा मैंने देखा पूरा देखा चल से मार दूंगा इसको चल से क्या हो रहा है ओ कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा ओ मैं लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था नए कपड़े बनवाने आने के लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है ये घर के नौकर हैं तेरे मामा के लड़के नहीं है पुराने कपड़े हैं उनमें से कोई दे दो लेके आओ उनको अंदर तुम दोनों में से जूता चित्र पॉलिश करना किसको आता है मुझे नहीं आता इसको बहुत अच्छी तरह आता है मास्टर है मास्टर तेरा नाम क्या है बांडिया क्या डांडिया बांडिया बांडिया अच्छा डांडिया देख पहले तू जूता पॉलिश करना सीख इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो चल मोची इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ से पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता ये लो ये थोड़े और पुराने जूते हैं इनका हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो और मैं भी देंगे और कुछ जूते पैरों को चल कर भाग गए जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा और वो भी दिया वक्त पर नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ पटाई होती है अच्छा ये बता वक्त पर काम करके दिखाता हूँ फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ ये के बाद एक काम देते जा रहे हो अच्छा ये बताओ तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है और कहा ये तो मैं कभी नहीं करूंगा मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ इसको बिल्कुल नहीं आता मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा नहीं कपड़े महंगे हैं जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा धोबी का किधर है मुझे एक बात बताओ यहाँ के लोगों ने पिछले दो साल से कपड़े नहीं धोए क्या फालतू बातों में बात बर्बाद करो बाकी लोग कपड़े ला रहे हमारे बड़े साहब का है मतलब इन राक्षसों में से और भी बड़ा राक्षस है नीचे आवाज़ में बात कर ये लोग तो कुछ भी नहीं है असली साथ वो है मंगल सिंह चौहान गुजरात गए आने वाले हेलो हेलो पेटो खाड़ो पुरवा लो क्या खाड़ो मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा नथी थोड़ी बहुत गति मुझे जाती है नहीं जमू नहीं जमू नथी पर मुझे जा भरमा ये दादा दादा इकट्ठा हो जाकर सारे गति समझता नहीं मेरा पेट समझ आएगा मैं कपड़े धो दो मेरी हालत खराब हो रही ऊपर से इकट्ठा करो मैं तो बस मजदूर अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब क्या है वो खाना खाने के लिए बुला रहा था क्या चाचा भी काम करता खाना हां चोली की सब्जी है चपाती है और मिठाई में घुंघरा है खाने में चोली सब्जी और क्या चपाती और मिठाई क्या था वो क्या बोलते गुजराती में घुंघरा है घाघरा घुंघरा 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 मैं तो कुछ समझ रहा था आप कुछ नहीं हो सकता इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो तुम्हारा उसको खाना नहीं मिलता ये भगवान क्या जुलूम है सारा काम करूं मैं खाएगा अब कुछ नहीं हो सकता क्या हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए तो खाना बचेगा तुमसे कह दूंगा वो तुमको बुला लेंगे कुछ करना पड़ेगा अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया इसलिए उसको बैठा अबे पहुंचो ये तेरा मालिक नहीं है ये बड़े साहब की क्लोथी बैंक के कपड़े हैं जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे हां मुझे गुजराती नहीं आती इसलिए खाने के लिए बुलाया तो मैं क्या नहीं मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या शू शू हां शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले अब मुझे क्या 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 बोला था उसने टंकी ने घाघरा चोली मिल सकता है क्या शू घाघरा चोली हां घाघरा चोली कोनो घाघरा चोली आप दोनों आप दोनों आप लाज वगैरह ना प्यार चोली जो ये जो ये जो ये अगर आप राजा ना हो तो मैं अपने आप ले लेता या आप चोली 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 आप चो